नमस्ते, यहाँ पर इस वीडियो के दौरान सैमसंग का जो एसी है उसके साथ जो रिमोट कंट्रोलर का जो गाइड है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रिसेंटली हमने सैमसंग की तरफ से 1.5 टन 5 स्टार 2024 मॉडल वाला जो स्प्लिट एसी हमने यहाँ पर परचेस किया था, यानी इस एसी का जो फुल रिव्यू है ऑलरेडी हमने अपलोड किया है विथ प्रोज एंड कॉन्स, उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इस वीडियो के दौरान जो सैमसंग एसी के साथ जो रिमोट कंट्रोलर है उसके साथ जो गाइड है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सैमसंग का जो एसी का जो बेस बाय लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, एंड जरूर से वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर भी कर सकते हो। अगर बात करें पर रिमोट कंट्रोलर के बारे में, तो यहाँ पर एसी के साथ आपको जो है रिमोट कंट्रोलर देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर बैटरी भी आपको यहाँ पर बॉक्स में देखने को मिल जाएगा फॉर फ्री, जो कि काफी सही है। यहाँ पर ट्रिबल ए बैटरी देखने को मिलता है आपको, यहाँ पर दो जो है ट्रिबल ए बैटरी के साथ इस रिमोट कंट्रोलर का आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर पावर ऑन एंड पावर ऑफ के लिए आपको यहाँ पर बटन दिया जाता है, तो एसी को ऑन करने के लिए एसी को ऑफ करने के लिए जो पावर ऑन ऑफ बटन है इसके साथ आप जो है एसी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। एंड यहाँ पर लगभग 8 मीटर का जो है रेंज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो है आप सिंपली 8 मीटर रेंज में जो एसी है उसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो पावर बटन के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर एसी में आपको अलग अलग मोड देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर इस एसी में जो है आपको मल्टीपल मोड्स देखने को मिलता है। एंड अगर आप जो है यहाँ पर कूल मोड अवेलेबल है, ड्राई मोड अवेलेबल है, फैन मोड अवेलेबल है, एंड अगर आप कूल मोड को सिलेक्ट करते हो तो एसी में जो है यहाँ पर आइकॉन देखने को मिलता है, प्लस रिमोट में भी जो है कूल मोड करके लिखा जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल मोड को ऐड किया गया है। कूल मोड में क्या होगा, आपका जो एसी है लगातार जो है ठंडा करेगा, एंड ड्राई मोड में क्या होता है, तो बेसिकली एसी जो है यहाँ पर गर्म हवा छोड़ता है। फैन मोड में सिर्फ जो फैन है वो काम करेगा, एंड ऑटो में जो है यहाँ पर जिस तरह से आपका जो रूम का जो टेम्परेचर है उस तरह से काम करता है। अगर जो रूम का जो टेम्परेचर है ज़्यादा गर्म है तो यहाँ पर कूल मोड काम करेगा, कुछ टाइम के बाद जो है यहाँ पर फैन मोड ऑन हो जाएगा, उस तरह से ड्राई मोड ऑन हो जाएगा, तो ऑटो मोड सही तरीके से काम कर जाएगा, प्लस कूल मोड भी काफ़ी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है टेम्परेचर को एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, तो सिंपली यहाँ पर जो अप बटन है उसके साथ जो है आप सिंपली टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हो, एंड जो डाउन बटन है उसके साथ टेम्परेचर को या पर टेम्परेचर को डिक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, तो टेम्परेचर को आप जो है एडजस्ट करने का जो बटन है यहाँ पर ऐड किया गया है इस एसी के साथ। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल स्विंग है उसे भी ऐड किया गया है, तो यहाँ पर बेसिकली जो स्विंग है जो एसी के साथ आपको स्विंग देखने को मिलता है, जो अप एंड डाउन है उसे आप जो है यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, आपके हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल स्विंग है उसे भी ऐड किया गया है। एंड उसके साथ साथ इस एसी में जो है जल्दी से कूलिंग करने के लिए यहाँ पर फास्ट मोड भी देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली जो बटन के ऊपर फास्ट करके जो ऑप्शन है उसमें टैप करने के बाद आपका जो एसी है वो काफी फास्ट कूलिंग करेगा, जल्दी जल्दी कूलिंग करेगा। बेसिकली इसे आप पावरफुल मोड भी कह सकते हो, तो यहाँ पर फास्ट मोड को एनेबल करने के बाद आपका जो एसी है बहुत ही फास्ट यहाँ पर कूलिंग करता है, जल्दी जल्दी कूलिंग करेगा। तो यहाँ पर फास्ट मोड में जो है लगभग आपका जो फैन है वो फुल स्पीड में काम करेगा, प्लस आपका जो एसी है 60 डिग्री टेम्परेचर के आसपास हो जाएगा, एंड अगर आप जल्दी जल्दी कूलिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर फास्ट मोड को यूज कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर फास्ट मोड को छोड़ के उसके नीचे और एक ऑप्शन को ऐड किया गया है, बेसिकली यहाँ पर 5-in-1 मोड को ऐड किया गया है। इसमें क्या होगा, आपका जो एसी है अलग अलग कैपेसिटी में काम करेगा, तो यहाँ पर जो है अलग अलग कैपेसिटी का जो ऑप्शन से यहाँ पर ऐड किया गया है, तो यहाँ पर 60% आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर 40% सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप जो है जल्दी से फास्ट करना चाहते हो और जल्दी से कूलिंग करना चाहते हो, बेसिकली अगर आप जल्दी से कूलिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 120% सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर 80% भी है। तो बेसिकली अगर आप जो है यहाँ पर 40% सेलेक्ट करोगे तो आपका जो एसी है फुल कैपेसिटी में काम नहीं करेगा, 40% कैपेसिटी में काम करेगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है कम आएगा, प्लस अगर बहुत सारे लोग है एक ही रूम में तो आप जो है यहाँ पर 100% और 120% कैपेसिटी यूज कर सकते हो। इसमें क्या होगा, लगातार आपका जो एसी के साथ जो फैन है वो काम करेगा, प्लस एसी जो है
जल्दी से ठंडा करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मोड को ऐड किया गया है, तो यहाँ पर 5-in-1 मोड भी अवेलेबल है इस एसी के साथ। एंड इवन जो फैन का जो स्पीड है उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पर लो मीडियम हाई का जो फीचर्स ऐड किया गया है, प्लस ऑटो में भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने आप से जो है। यहाँ पर फैन अगर आप ऑटो में सिलेक्ट करोगे तो अपने आप से जो है एडजस्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। प्लस यहाँ पर टाइमर का जो फीचर से ऐड किया गया है, यहाँ पर आप जो है टाइमर को इस तरह से बटन के साथ जो है एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर 30 मिनट, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर इस तरह से आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। 24 आवर तक जो है यहाँ पर टाइमर को सिलेक्ट कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है, जो कि सच में काफ़ी यूजफुल है। तो यहाँ पर ये जो एसी है, इस एसी के साथ आप टाइमर के साथ जो है यहाँ पर काफ़ी सही तरीके से एसी को यूज़ कर सकते हो। एंड टाइमर आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, स्पेशली रात को सोने से पहले आप जो है अगर आप टाइमर को सेट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 6 आवर के बाद जो है यहाँ पर एसी जो है यहाँ पर बंद हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेव होगा। एंड यहाँ पर टाइमर का जो फीचर्स अभी फिलहाल ऑलमोस्ट सभी एसी में देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है ऑप्शंस को फीचर्स को ऐड किया गया है, पर यूजर्स का ऑप्शन है बीप, क्लीन एंड यहाँ पर फिल्टर, रिसेट एंड डिस्प्ले का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर इस एसी में इस तरह से सभी ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लीन करने का जो फीचर्स है इस एसी में अवेलेबल है। आप सिंपली यहाँ पर एसी को जो है यहाँ पर क्लीन भी कर सकते हो, क्लीन मोड को ऐड किया गया है। तो सैमसंग एसी के साथ जो है क्लीन मोड भी अवेलेबल है। अगर फिल्टर रिसेट करते हो उसे भी आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, प्लस बीप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सभी ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एयर फ्लो का जो डायरेक्शन है उसे भी एडजस्ट कर सकते हो टाइमर का फीचर से। यहाँ पर जो पावरफुल मोड है और जो फास्ट मोड है उसे भी ऐड किया गया है। फैन स्पीड को भी एडजस्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस किया है, जो एनर्जी सेविंग मोड है और जो इको मोड है उसे शायद यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है, तो यहाँ पर इको मोड अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर ये जो एसी है स्मार्ट एसी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई वाईफाई ऑप्शन नहीं है और स्मार्ट जो बटन है वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जिस हमने नोटिस किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने सैमसंग 2024 मॉडल का जो एसी है उसके साथ रिमोट के साथ जितने भी फंक्शंस है सभी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। एंड अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो जरूर से कमेंट करके बताना। एंड अगर आप टाइमर सेलेक्ट कर गए तो यहाँ पर जो एसी के साथ जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वहाँ पर जो है आपको टाइमर का जो आइकॉन है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर टाइमर को सिलेक्ट करना काफ़ी सही है। एनीवे, अगर आप सैमसंग का जो एसी उसे परचेस करना चाहते हो तो उसका जो है बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉरवर्ड कर दूंगा। एंड यहाँ पर हमने जो पैनासोनिक का जो एसी है उसका भी रिव्यू शेयर किया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉरवर्ड कर दूंगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।